हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। आप लोगों ने जैसा पिछला वीडियो देखा होगा, इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो सर्किल का मैं एक पॉइंट आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आर्क से रिलेटेड जो भी थ्योरम थी, जो भी पॉइंट्स थे, उसको मैंने क्लियर करवाया था। आज की क्लास में मैं कोड से सर्किल हम लोग पढ़ रहे हैं, और सर्किल में कोड से रिलेटेड, जीवा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, मैंने कहा कि सर्किल को हम लोग चार भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला पॉइंट मैं आर्क के बारे में आप लोगों को समझा चुका हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले ट्रायंगल के सारे वीडियो, क्वाड्रिलेटरल के सारे वीडियोज़ देखिए, जिससे ये पॉइंट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और सर्किल का जो एक पॉइंट मैं समझा चुका हूँ, उसको तो आपको देखना है ही। आज की क्लास में सबसे पहली बात कि कोड होती क्या है। मैंने पिछले जो पॉइंट आपको बताया था, उसमें बेसिक मैं समझा चुका हूँ कि सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की कोई भी डिस्टेंस जो होगी, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्ड या जीवा। और इससे रिलेटेड जितनी थ्योरम्स हो सकती हैं, उसको हम लोग आज की क्लास में सोल्व करेंगे। आज की क्लास में उनको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी अपने पास कोई भी कोर्ड है, और ध्यान रखना ये इसका सेंटर है। पहला, सबसे पहला पॉइंट, और पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए चला जाऊंगा, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। पहले हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, सेंटर से इस पर अगर कभी भी परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। या इसका उल्टा भी ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, सर्किल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनका एकदम उल्टा भी ठीक है। ये अपने पास कोई भी कोड है ए बी, यहाँ से इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वो हमेशा और हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होता है। कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, और अगर कभी मिड पॉइंट को मिला दें तो वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर अगर है तो मिड पॉइंट होगा। ऐसा क्यों? हर क्यों का जवाब तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ। और देखो, अगर आप लोग सिस्टमेटिक पढ़ोगे, कोई भी थ्योरी आपकी बचेगी नहीं। और सारी अगर थ्योरी एक बार कंप्लीट हो गई तो फिर क्वेश्चंस आप लोग खुद भी करना शुरुआत कर दोगे। और मैं तो यहाँ पर बोर्ड पर तो सॉरी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो देखिए क्यों होता है ऐसा। अगर हम लोग यहाँ से मान लो इसके मिड पॉइंट को मिला दें, सेंटर से अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दें, तो ध्यान रखना मिड पॉइंट मान लो पी है, तो ये दोनों बराबर मिड पॉइंट को मिलाया हमने। क्या O से A तक और O से B तक, जैसा मैंने कहा है कि ये वीडियोस देखने से पहले जो मैं आपको ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जितना बेसिक से मैंने आपको बताया वो आप लोग सीखिए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। क्या O से A तक और O से B तक को मिला दें तो क्या दोनों बराबर होंगे? क्या क्यों? क्योंकि रेडियस है और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। ये अगर 4 सेंटीमीटर तो इस ट्राइंगल के लिए भी 4 होगी, इस ट्राइंगल के लिए भी 4 होगी। तो ओ पी ए और ओ पी बी क्या ट्रिपल एस के रूल से दोनों के दोनों सिमिलर हो गए क्या? और दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए, दो अगर एस बराबर हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे, सिमिलर नहीं। अब की बार साइड सेम है तो सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम होंगे तो सब कुछ बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। हमें इस पर काम करना है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 और दोनों तरफ बराबर बराबर हैं, तो 180 को बराबर बराबर बांटोगे तो क्या 90 और 90 हो सकता है क्या? तो ध्यान रखना आप लोग, यहां पर अगर आप लोग पहले से परपेंडिकुलर डाल देते हो, परपेंडिकुलर डाल दिया मान लो, ओ से ए को मिलाओ और ओ से बी को अगर आप लोग मिलाते हो, ट्रायंगल में जो भी चीजें प्रूव होती हैं सर्किल में, वो सारी की सारी चीजें ट्रायंगल से ही प्रूव होंगी। जो भी पॉइंट्स प्रूव होंगे वो सभी के सभी पॉइंट ट्रायंगल से ही प्रूव होंगे। तो अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये इसके बराबर, अपने पास ये राइट एंगल है, ये कॉमन होने के कारण बराबर, आरएचएस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट अगर हो गए, सर्वांगसम अगर हो गए, इसका मतलब सब कुछ बराबर। अपने पास ये बची हुई तीसरी साइड भी अपने पास इक्वल होगी, और इक्वल होते ही ये अपने पास मिड पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, लिख भी सकते हो अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो, अपने पास दो किसी भी अपने पास सर्किल में कोर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, या परपेंडिकुलर अगर है तो वो मिड पॉइंट पर मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आसान आसान पॉइंट्स में एक बार आप लोगों को समझाता हूं। देखो ध्यान दो, इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है, ध्यान देना आप लोग, ऐसा अगर कभी है कि दो कोर्ड्स अगर इक्वल हैं और एक ही जगह से अगर स्टार्ट हो रही है, ए बी बराबर ए सी है,
ए बी बराबर है ए सी के, तो ध्यान रखना पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, ए बी ए के पॉइंट से शुरुआत होकर अगर ए बी और ए सी बराबर हैं तो ध्यान रखना ए से यहाँ से परपेंडिकुलर, अगर ए से सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये दोनों अगर बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी है, तो ध्यान रखना ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होगी, कोण ए का हमेशा कोण समद्विभाजक होगी, ये आप लोग ध्यान रखना। ए बी बराबर ए सी है तो पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होती है, कोण ए का कोण समद्विभाजक होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाले जो अपने पास पॉइंट्स होते हैं इनमें होता क्या है कि एसएससी क्वेश्चंस उल्टा पूछता है। जैसे 2013 मेंस में एक आया हुआ जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि अगर ए बी और ए सी इस प्रकार से है और ए डी इसका डायमीटर है, ए डी व्यास है, और ए बी का व्यास के साथ बनाया गया कोण और ए सी का व्यास के साथ बनाया गया कोण बराबर है, तो बताओ ए बी और ए सी में क्या रिलेशन होंगे। क्या अपने पास ऐसे ऑप्शन दे देगा ए बी लेस देन ए सी, दूसरा ऑप्शन दे देगा जैसे बी ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी के ए बी ग्रेटर देन ए सी, तीसरा ऑप्शन दे देगा हम लोगों को ए बी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और चौथा ऑप्शन दे देगा हम लोगों को कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, ऐसे चार पॉइंट दे दिए। तो ध्यान रखना ए डी अगर डायमीटर है तो हमें पता है कि सेंटर से पास होगा, और सेंटर से पास होने वाली लाइन के लिए अगर एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। क्यों ये दोनों बराबर हैं तो एंगल बाइसेक्टर क्यों होता है, या एंगल बाइसेक्टर अगर है तो फिर ये अपने पास बराबर क्यों होता है, या बराबर है तो फिर एंगल बाइसेक्टर क्यों होता है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बताया सर्किल में कुछ भी प्रूव करना है हमेशा प्रूव होगा ट्रायंगल से, तो आप लोग इसको अगर अच्छे से पूरा बेसिक समझना अगर चाहते हो तो ट्रायंगल वाले वीडियोस आप लोग देखिए, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर समझना है तो आप लोगों को ये एंगल बाइसेक्टर क्यों होगा मैं समझा देता हूँ। ये इसके बराबर क्वेश्चन में गिवन है और ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को मिला दीजिए, क्या ओ से बी तक और ओ से सी तक बराबर होगा क्या, क्यों बराबर क्यों होगा, रेडियस है। जैसे मैं बोलता हूँ क्यों होगा तो आपको पता होना चाहिए रेडियस है और रेडियस हमेशा बराबर होती है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए जहाँ पर भी आप लोग बैठे वीडियोस देख रहे हैं। साथ साथ जब भी मैं कुछ पूछूँ समझ में आया नहीं आया तो आप लोगों को हाँ ना इसका जवाब देना है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो सब कुछ बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यहाँ पर ये हुआ अपने पास एंगल बाइसेक्टर। कभी कभार ये डायग्राम ऐसे बन जाता है तो स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर फिर ये और ये तो बराबर है तो ये 90-90 होने चाहिए, ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। मुझसे कुछ स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं और जो क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो क्वेश्चंस मुझसे क्लास में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस प्रकार से आप लोग एक चीज ध्यान देना, ये ऐसे भी हो सकता है ए बी और सी, यहाँ से कुछ 90-90 सोच लेते हैं, ध्यान रखना है ऐसे भी हो सकता है रेडियस, तो 90-90 ये नहीं होंगे, ये दोनों बराबर हैं और ये कॉमन होने के कारण बराबर, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, इतना ध्यान रखना। तो ये अपने पास था दूसरा पॉइंट। कोर्ड के बारे में आज की क्लास में मैं समझा रहा हूँ, पहला पॉइंट मैंने समझा दिया है, अब मैं दूसरा पॉइंट ये मैंने समझा दिया है, तीसरा और चौथा पॉइंट एक साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और एक पॉइंट मैं समझा देता हूँ आया कैसे, और दूसरा जो पॉइंट है उसको फिर आप लोग खुद करने की कोशिश करना। कोड से रिलेटेड जितने पॉइंट होंगे, जितनी थ्योरी होगी, जितनी थ्योरम्स होंगी, वो सारी मैं आप लोगों को इस क्लास में करवाने वाला हूं, तो ध्यान देना इक्वल जो कोड्स होती हैं, अगर कभी भी ए बी और सी डी बराबर हैं, अलग अलग हैं, ए बी और सी डी अगर बराबर हैं तो इक्वल जो कोड्स अगर होती हैं ए बी बराबर है सी डी के, तो ध्यान रखना इक्वल कोर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ओपी बराबर होगा किसके, ओक्यू के।
इक्वल कॉर्ड्स, ध्यान रखना कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो चौथा तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं और इसका उल्टा भी ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो इक्वल लेंथ की होंगी। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं और समान दूरी पर अगर हैं तो फिर ये समान लंबाई की होती हैं। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट ये है कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान जीवाएँ केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। फोर्थ पॉइंट अपने पास ये है, कॉर्ड का चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, ये कोण बराबर होगा। क्यों? दोनों पॉइंट मैं समझा देता हूँ। ए बी बराबर है अगर सी डी के, तो ए ओ बी यहीं लिख दिया मैंने क्योंकि दोनों आसान पॉइंट थे, फटाफट हम लोग समझ लेते हैं क्यों होता है। या आप लोगों को पहले से पता भी होगा या मैं बता भी देता हूँ कि ये वाला इसके बराबर क्योंकि रेडियस है, ये वाला इसके बराबर क्योंकि रेडियस है, अपने पास ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ और ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है, तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए क्या? और सर्वांगसम होते ही अपने पास एंगल भी बराबर। और ध्यान रखना ऐसे ही इनको भी अगर हम लोग यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से अगर आपने मिला दिया ये इतना ही मिला दो आप लोग, ये अपने पास बराबर हैं, ये मान लो टोटल a था तो ये भी a बाई टू, ये टोटल a था तो ये भी a बाई टू, तो मुझे बताइए क्या रेडियस हमेशा बराबर होंगी क्या? दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल OPB और ट्रायंगल OQD में जब भी अपने पास ये जब भी डिस्टेंस आए मतलब 90 डिग्री का कोण, तो ध्यान रखना एक तो राइट एंगल है दोनों ट्रायंगल में, रेडियस हमेशा बराबर हैं दोनों की, तो आर एच और अपने पास एक साइड यहाँ पर अपने पास ये भी a बाई टू है क्योंकि पहले बराबर थी a थी और ये भी थी a थी, तो ये भी a बाई टू, ये भी a बाई टू, आर एच एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए तो अपने पास तीसरी साइड भी बराबर, ये भी अपने पास एल्टीट्यूड की लेंथ भी बराबर। तो ध्यान रखना मैंने चार पॉइंट आप लोगों को समझाए हैं, इनको मैं हटा रहा हूँ, चारों पॉइंट्स आसान हैं। कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी, ए बी और ए सी अगर बराबर हैं तो ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होती है, इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी और इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। ये चार आसान आसान पॉइंट्स आप लोगों को समझाए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, कोशिश करना समझने की, इस प्रकार से अगर कभी भी दो कॉर्ड्स जो हैं वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, ए बी और सी डी इस प्रकार से भी तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, दो कॉर्ड्स जो हैं वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर इंटरसेक्ट करें इस प्रकार से अगर हुई दोनों, दो कॉर्ड्स जो हैं वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या इस प्रकार से भी तो आगे बढ़ाने पर बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, दो कॉर्ड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर इंटरसेक्ट करें उनसे बने रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के, दो कॉर्ड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है उनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है। जहाँ भी आप लोग बैठे हो, जहाँ स्टूडेंट क्लास में अगर बैठा रहता है तो भी उसके दिमाग में ये आता है, या आप लोग जहाँ बैठकर ये वीडियो देख रहे हो आपके माइंड में ये आएगा कि सर यहाँ पर रेक्टेंगल कहाँ बन रहा है, या किसी को मुझे ये बताओ क्या रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कहीं रेक्टेंगल नहीं बन रहा, कहीं भी आयत नहीं बन रहा, लेकिन ध्यान रखना ये कोई ना कोई लेंथ होती है अपने पास P से A तक और P से B तक, जब ये चार है, ये तीन है और ये छः है तो ये कितना होगा, पहले तो इस प्रकार से करेंगे चार गुना तीन बराबर छः गुना x और x का मान अपने पास आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी टू, तो ये आ गया टू। एक मिनट ध्यान देना आप लोग, ये P से A तक कोई ना कोई लेंथ है, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना इसमें कहीं भी रेक्टेंगल नहीं बनता, लेकिन एक बार CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है दो कोर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर तो उनके द्वारा बने किसका क्षेत्रफल बराबर होता है, ऑप्शन दे दिए थे आयत, पैरेललोग्राम, रोम्बस या एक दो ऑप्शन और दे देगा अपने पास, चार ऑप्शन बना देगा, तो ध्यान रखना रेक्टेंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी जो डिनोट करता है वो एक रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट करता है, ना यहाँ रेक्टेंगल कहीं भी नहीं बन रहा है लेकिन पी से ए तक कोई लेंथ है, ये आया आया कैसे वो तो मैं अभी समझा रहा हूँ,
मैं क्लास में ही समझाऊंगा कि ये आया कैसे, वो तो मैं अभी समझा रहा हूँ, लेकिन PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD अगर कैसे आया ये तो समझा रहा हूँ, लेकिन एक तो P से A तक है और एक P से B तक कोई लेंथ है, और जब PA इंटू PB लिखा हुआ है तो ज्योमेट्री को जब मेंसुरेशन से रिलेट करने की आप लोग कोशिश करोगे तो PA इंटू PB अगर लिखा हुआ है तो ये आयत का क्षेत्रफल है, पी से ए तक और फिर पी से बी तक की जो लेंथ है तो ये आयत का क्षेत्रफल है, फिर पी सी इंटू पी डी पी से सी तक और फिर पी से डी तक ये भी एक आयत, पी सी इंटू पी डी पी से सी तक लंबाई मानो इसको चौड़ाई मानो, तो एल इंटू बी जो डिनोट करता है एक आयत के क्षेत्रफल को, एक रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट कर रहा है। तो ध्यान रखना दो कोर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा। क्यों होगा ये चीज़ें मैं समझा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना पॉइंट याद रखना। देखिए ऐसा क्यों होता है वो चीज़ मैं समझा देता हूँ और सभी के समझ में आ जाएगा। मैंने कहा है कि कुछ भी अगर हम लोगों को प्रूव करना है किस में, सर्किल में, तो वो हमेशा प्रूव होता है ट्रायंगल से। तो आप लोगों को मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले अगर इसको कंप्लीट और अच्छे से अगर देखना है तो ट्रायंगल वाले वीडियोस आप लोग पहले देखिए। मैं आपके बेसिक चीज़ें क्लियर करने के लिए इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, तो उनको आप लोग देखिए। थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस स्लो पढ़ाने के साथ मैं एक्स्ट्रा कोई भी आपके लिए बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करते हैं। तो स्लो तो पढ़ रहे ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी पढ़ाई से अलावा हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका भी और मेरा भी। ध्यान दो, दो कोर्ड्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यहां पर इस प्रकार से, मान लो एक दूसरे मार्कर से अगर मैं दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए, ए बी और सी डी, एक ए से बी तक है और दूसरा ये सी से डी तक है, और ये इसका सेंटर है मान लीजिए ओ। दो कोर्ड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है मान लीजिए पॉइंट पी पर। तो ये देखो आप लोग एक काम करो, ये दोनों कोर्ड्स मैंने ब्लू कलर से बना दिए तो आपको आपको ताकि थोड़ा सा अच्छे से और सही समझ में आए, और इसको फिर से यहाँ पर मिला दीजिए, ये तो डायग्राम है यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए और इसको इससे मिला दो, दोनों को मिला दीजिए इनको, ये P पॉइंट यहां पर है। अब ध्यान देना सभी लोग बोर्ड पर, मुझे बताइए इस आर्क द्वारा, ध्यान देना इसको मिला दिया, मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर इस आर्क द्वारा, BD आर्क द्वारा यहां से यहां तक, ये जो BD आर्क है इसके द्वारा क्या सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होंगे क्या? जस्ट पहले वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल चुका हूं, आप लोग उसको देखिए ध्यान से ताकि समझ में आए। इस आर्क द्वारा, BD आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल, ये अगर अपने पास थीटा है तो BD आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या ये भी थीटा होगा क्या? एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, मैं समझा चुका हूँ। BD द्वारा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। लाइन और एंगल जब पढ़ाया था क्या ये वाला पॉइंट बताया था क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, और ट्रायंगल पढ़ाते टाइम मैंने एक डबल ए का रूल बताया था, अगर आपको याद हो तो, दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही क्या अपने पास तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, और तीनों एंगल बराबर होते ही क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या, और सिमिलर ट्रायंगल के समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो ध्यान रखना ट्रायंगल PAD सिमिलर होगा PCB के साथ, ट्रायंगल PAB सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके साथ? PAD, PAD है इस साइड, तो लिखो PAD जो है वो सिमिलर होगा PCQ के साथ, ट्रायंगल PCQ के साथ, PAD जो है वो सिमिलर होगा PCQ के साथ, और दो ट्रायंगल PCB, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड सेम रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, PA/PC बराबर AD/CB बराबर अपने पास आ जाएगा PD/PB, और आप इस सेकंड को तो छोड़ दीजिए और फर्स्ट और थर्ड को अगर आप लोग सोल्व करोगे, फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या अपने पास PA/PB बराबर PC/PD आ गया है क्या?
आया कैसे ये चीज़ तो मैंने समझाई है, लेकिन ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। और कभी कभार इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत सारे एसएससी ने पूछे हैं। अब क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट और सेकंड पर भी कभी आ सकता है, या सेकंड और थर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी आपके सामने आ सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी सोल्व करते ही अपने पास यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई मिलेंगी। और ये जो डिनोट करता है, अगर इसको मेंचुरेशन से रिलेट करोगे तो ये डिनोट करता है एक रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट कर रहा है, P से A और P से B तक, सेम पॉइंट से P से A गुना P से B, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ध्यान रखना रेक्टेंगल का एरिया। नेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें अपने पास तीन पॉइंट्स हैं, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अगला पॉइंट। कोशिश करना समझने की, इस प्रकार से एक सर्कल में अगर ऐसा है, यहाँ पर ये ए बी है और ये सी डी है, ए बी, और दूसरा मान लीजिए ये पॉइंट जो है अपने पास दूसरी कोर्ड ये सी डी है, और इसको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट पर मिल रहे हैं पी पर, इसको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, और ये इसका सेंटर है मान लीजिए ओ। कोशिश करना समझने की, ध्यान देना बोर्ड पर। आप लोग इस प्रकार से इसको इससे मिला दीजिए। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ को अगर मिला दिया, बी से डी को मिला दें, और ये जो पॉइंट है ये आगे आएगा। मैंने कहा है कि ज्योमेट्री कंप्लीट, वैसे लगभग 80% ज्योमेट्री में आपकी क्लियर करवा चुका हूँ, 80% थ्योरी में क्लियर करवा चुका हूँ। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, अपने पास लाइन, एंगल, पॉलीगन्स के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग इस टाइम जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सर्किल के बारे में, और सर्किल के दो तीन जो आगे के पॉइंट हैं उनसे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ए से सी को मिला दीजिए आप लोग, ये बन गया ए बी सी, और डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये एंगल अगर एक्स है, जस्ट नेक्स्ट अगला वीडियो जब आप लोग देखोगे, कोर्ड्स खत्म होते ही नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो मैं उसमें बताऊंगा, ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, और ये वाला एंगल अगर वाई है अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल अगर वाई है तो ये भार वाला जो एंगल होगा ये वाई होगा। ये क्यों होगा, ये x है तो ये 180 माइनस x होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, तो x है तो ये भी अपने पास x होगा, ये y है तो ये भी अपने पास y होगा। तो इस प्रकार से ट्रायंगल में यहाँ पर P जो एंगल है वो क्या दोनों ट्रायंगल में, छोटे वाले में भी पी ए सी में भी और बड़े वाले में भी पी ए डी में भी, क्या कॉमन है क्या? ये अगर अपने पास z है तो ये जेड अगर है तो ये अपने पास छोटे वाले के लिए भी जेड है और बड़े वाले के लिए भी जेड है। तो कौन कौन सिमिलर हो जाएगा, ये अपने पास ग्रीन, ब्लू और रेड, ग्रीन, ब्लू और रेड, इस प्रकार से आप लोगों को चलना है ताकि आपको सही समझ में आए। तो ट्रायंगल पी ए सी, ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर होगा किसके साथ, पी ए सी, एंगल बराबर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होता, ध्यान रखना सिमिलर होते हैं। और इससे पहले आप लोगों को मैंने कहा है जो भी कुछ प्रूव होगा सर्किल में वो हमेशा ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल वाले वीडियोस प्लीज आप लोग देखिए अगर ये आप लोग देख रहे हैं तो। पी ए सी सिमिलर होगा किसके साथ, पी डी बी के साथ, ट्रायंगल पी डी बी के साथ, पी ए सी पी डी बी के साथ, और पी ए अपॉन पी डी, पी ए अपॉन पी डी बराबर ए सी अपॉन डी बी बराबर है अपने पास पी सी अपॉन पी बी के। बीच वाले को अगर हम लोग हटा दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट और थर्ड को, तो यहाँ से आएगा पी ए इंटू पी बी बराबर होगा किसके, पी सी इंटू पी डी के। तो अपने को यही प्रूव करना था, ये आप लोग ध्यान रखना। आया कैसे वो चीज़ मैंने समझाई है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बाद में आप लोग इसको अच्छे से देख सको। आगे चलते हैं, इसी का ये दो पॉइंट मैंने समझाए, इसी का एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस एसएससी पूछता भी है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से अगर कभी भी हो किसी सर्किल को एक पॉइंट अगर टच करे, अगर ऐसा कभी भी हो सिर्फ एक पॉइंट तो टच करे और एक इसको इंटरसेक्ट करे, ये पॉइंट मान लो P है, जो टच कर रहा है वो T है, वहाँ से दो बार अगर पी सी पी डी, तो मैं समझा चुका हूँ, ऐसा अगर हो A तथा B पर तो इंटरसेक्ट करे और उसको सिर्फ टच करे, तो यहाँ पर ध्यान रखना पी टी स्क्वायर बराबर
PT square बराबर PA into PB. आप लोगों को याद होगा PC into PD बराबर होता है PA into PB. तो PA into PB तो ठीक है, P से C तक जाओगे और P से वापस D तक आओगे तो PT square बराबर जो होता है वो होता है PA into PB के बराबर होता है. ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना. क्यों होता है देखो मैं समझाता हूँ. ऐसा आया कहाँ से, ये क्यों हुआ, ये चीज़ मैं आपकी क्लियर करवाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ. वापस से समझना, दूसरा डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ. कोशिश करना समझने की. और यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या वो भी मैं समझा देता हूँ. लेकिन एक बार ये किस प्रकार से आया ध्यान देना बोर्ड पर. ये अपने पास पॉइंट P है, ये अपने पास T है और ये अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वो पॉइंट मान लो A और B. तो पी टी स्क्वायर बराबर पी इंटू पी बी. और इस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आपके सामने बनेंगे. मैं बेसिक इसीलिए समझाता हूँ क्योंकि एसएससी कभी कभार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इससे पूछ लेता है. जब अगर आपको बेसिक पता है थोड़ा सा घुमाकर थोड़ा सा डीप से अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग आसानी से कर पाओगे. और आप मेरा फर्स्ट वीडियो से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताइए, मैं हमेशा बेसिक पर ही जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने पिछले 7 या 8 साल में फील ये किया है मेरे टीचिंग कैरियर में, जिस भी स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है. और मैंने बेसिक्स क्लियर करने के लिए ही इस YouTube चैनल की शुरुआत की थी ताकि आपके बेसिक क्लियर हों. कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमें थ्योरी पढ़नी कितनी है. वो 3, 4, 5 चीज़ें पढ़कर भी और 10, 15, 20 क्वेश्चन करके सोचते हैं थ्योरी इतनी होगी. थ्योरी कंप्लीट हम लोगों को पढ़नी है. ध्यान दो इधर. हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे का जो पॉइंट आगे मैं समझाऊंगा. एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी अपने पास कॉर्ड है और ये टेंजेंट है. टेंजेंट व कोण के बीच बना एंगल थीटा है तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा. और क्यों होगा ये चीज़ मैं आप लोगों को टेंजेंट व कोण जब पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं बताऊंगा. ये कोण थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा क्यों होगा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा. एक बार इसको याद कर लीजिए. तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी आया कैसे, आप लोग एक काम कीजिए. यहाँ पर इतना डायग्राम है, बाकी की चीज़ें हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं. इसको आप लोग इससे मिलाओ. कैसे आया वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ. और इस पर बेस्ड एसएससी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है, वो भी मैं आपको क्वेश्चंस करते टाइम बताऊंगा. तो ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट, एक ही पॉइंट को टच करके जाए तो उसको टेंजेंट बोलते हैं. और टेंजेंट पर नेक्स्ट लेसन में आप लोगों को समझाऊंगा. तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. और ध्यान रखना इस वाला एंगल, ये जो एंगल अपने पास अगर मान लीजिए एक्स है, ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण भी थीटा होगा. और ये वाला एंगल अगर अपने पास एक्स है तो ये अपने पास एक्स ठीक है. और इस वाले एंगल को अगर मैं एक बार जेड मान लूँ, इस वाले एंगल को अगर मैं एक बार जेड मान लूँ तो ध्यान रखना ये अगर जेड और ये थीटा है तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा बाह्य जो कोण होगा वो अपने पास अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है. और ये वाला जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, जेड प्लस थीटा के. मैं वापस समझाता हूँ, इसको इससे मिलाया तो ये थीटा कैसे है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से. और जस्ट आप लोग नेक्स्ट लेसन में ये चीज़ें पढ़ने वाले हो. थीटा है तो थीटा होगा, ये जेड मान लिया तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है. देखो इस ट्रायंगल का एक कोण अपने पास थीटा है, एक एक्स है और एक जेड प्लस थीटा है. बड़े वाले ट्रायंगल की भी अगर मैं बात करूँ, एक कोण थीटा है, एक अपने पास जेड प्लस थीटा है और ये अपने पास कॉमन है. छोटे वाला जो ट्रायंगल है मैं समझाता हूँ आप लोगों को, लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा, ये मैं हटा रहा हूँ एक बार. छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, छोटे वाला और इस पर बेस्ड एसएससी अच्छे क्वेश्चंस पूछता है. ध्यान रखना टी पी ए जो है थीटा एक्स जेड प्लस थीटा, और बड़े वाले में भी अपने पास थीटा जेड प्लस थीटा और एक्स. तो हम लोग दो ट्रायंगल कौन कौन सा, टी पी ए, एक तो ट्रायंगल अपने पास टी पी ए सिमिलर होगा किसके साथ, टी एंगल थीटा है तो थीटा इसका एंगल होगा बी. अपने पास दूसरा एंगल इसका पी है, ये अपने पास पी है तो बड़े वाले में भी अपने पास दूसरा एंगल कॉमन तो पी है, ये एक्स इसमें और बड़े वाले में भी. एक हम लोग बात करें टी पी ए की छोटे वाले और फिर बात करें बी पी टी की, इसका टी एंगल जेड प्लस थीटा, इसका एंगल ये है तो यहाँ पर लिख देंगे टी. कुछ भी प्रूव करना है हमेशा और हमेशा हम लोग ट्रायंगल से ही प्रूव करते हैं. और ध्यान दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या भुजाएं समान अनुपात में, टीपी या पीटी जो भी आप लोग लिखना चाहो, अपॉन बीपी, यहां से दूसरी साइड पी से ए
और दूसरी साइड पी से टी और यहाँ पर यहाँ से तीसरी साइड टी ए अपॉन बी टी, ये तीसरा आपके बार छोड़ दो और पहले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर दोगे तो क्या अपने पास पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी आ गया क्या, जो हमें प्रूव करना था। पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी और ये पॉइंट हम लोगों को प्रूव करना था, इससे अपने पास आंसर आ गया। कोड से रिलेटेड अपने पास दो पॉइंट और हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसके कारण आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट सोल्व हो जाए और अच्छे से आप लोग इसकी थ्योरी कर पाओ, जिससे बेसिक भी आप लोग समझ पाओ। अगले दोनों पॉइंट भी कोड से रिलेटेड अच्छे पॉइंट हैं, थोड़े से बड़े पॉइंट हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी हमेशा और हमेशा पूछता है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग देखोगे अगले दो पॉइंट से भी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो कोड हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको अपने अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इस लेसन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कोड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू।